तो अपने इस एडवेंचरस ट्रिप को आगे बढ़ाते हुए फाइनली आज हमारी होने वाली थी वापसी। नहीं नहीं, घर वापसी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हाँ, ओली से निकलकर हम जाने वाले थे किसी और जगह पे, जहां शायद और भी ज्यादा एडवेंचर हमारा इंतजार कर रहा था। लेकिन 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 भाई साहब, यहां से निकल पाना एक टेढ़ी खीर थी, क्योंकि दो दिन लगातार होती स्नोफॉल की वजह से सड़कें भर चुकी थी। और भगवान का नाम लेके हम चढ़ तो आए थे ऊपर, लेकिन हम उतरेंगे कैसे ये भी भगवान के हाथ में था। और गाड़ियां यहां जमकर स्ट्रगल कर रही थी। अब ऐसे में हम नीचे उतर पाए कि नहीं, और अगली खूबसूरत डेस्टिनेशन तक हम पहुंच ही पाते हैं कि नहीं, आप खुद ही देख लो। तो जी, सुबह के हो चुके हैं 9:30, और बाहर अब देखें कैसा मौसम है। मस्त वाली स्नोफॉल हो रही है लगातार दूसरे दिन। सो जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो रात को तो यार मौसम क्लियर हो गया था, साफ सुथरा हो गया था, अपने को था कि सुबह पर निकलेंगे टाइमली, बट आधी रात के बाद, मतलब 2-1 बजे में नींद खुली थी, 2-1 बजे वो गड़गड़ गड़गड़ और वो स्टार्ट हो गया था सब कुछ, और सुबह तक अभी तक देखना स्नोफॉल हो रही है जबरदस्त। तो इस साल का तो स्नो का कोटा है अपना पूरा हो गया भाई जबरदस्त तरीके से। तो अभी तक का अपना प्लान जो है वो ये है कि आज अपन यहाँ से ओली से निकलेंगे और हम जाएंगे चोपटा। तो चोपटा इज लाइक, उसको कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि यार वहां भी स्नो पड़ती है और वैली है प्रॉपर, अच्छे जंगल एरिया है पूरा। बाकी तो जाके एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन वहां पर भी अच्छी खासी स्नोफॉल हो रही है, तो एक स्नोफॉल से निकलकर अपन दूसरा स्नोफॉल पे जाएंगे। तो ये प्लान है आज का फिलहाल, बाकी देखते हैं यार कि मुझे नहीं पता सड़क वगैरह क्या हाल होगा, निकलना तो है ही है। तो भाई अपने ब्रेड और चाय तो मंगवा ली है, ये पी के बस आधे घंटे में निकल जाएंगे, देखी जाएगी फिर रास्ते में क्या बात बनती है। Cheers. So finally हम कैंप से निकल पड़े हैं। अब सांस ही बड़ी चढ़ रही है, तो जितने कपड़े डालो ना उतनी मुसीबत है। तो फिलहाल भाई मौसम कुछ ऐसा सा है, बिल्कुल फॉगी फॉगी सा रखा है और हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। अब आई डोंट नो आगे के रास्ते क्या हाल है, नीचे गाड़ी कैसे उतरेगी बिल्कुल भी नहीं पता। तो भाई ये घड़ी अपनी राम प्यारी है, पहले सामान रखते हैं फटाफट। ओ भाई देखना जरा कितनी प्यारी लग रही है, पूरी बर्फ से ढकी हुई। अब बीच बीच में ऐसे हो रहा है, कभी धूप निकल रही है, कभी फिर से फॉग आ जा रही है, तो यही मौसम चल रहा है भाई, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। अब वो देखना, ऊपर सूरज निकला हुआ है, यहाँ नीचे नीचे पूरे बादल है। तो मौसम तो यार बहुत अल्टीमेट है, बहुत मजेदार है। अब मेन चीज ये है कि नीचे तक अपने को रास्ता कैसे मिलता है। तो यहाँ पर क्या है ना, मिलिट्री वाला एरिया है, तो जैसे ही स्नोफॉल रुकती है तो वो साथ जो है सारा रास्ता क्लियर कर देते हैं। बट यहाँ पर सुबह से स्नोफॉल रुकी नहीं, आई डोंट नो क्लियर किया कि नहीं किया, देखते हैं भाई, चलते हैं तभी पता लगेगा। तो जैसे ही अब धूप पड़नी शुरू हुई है तो बर्फ अपने आप जो है पिघल पिघल के नीचे गिर रही है, बट ये वाली तो साफ करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कल भी ये पंगा हो गया था, विजिबिलिटी नहीं थी और अपनी गाड़ी जो है नीचे गिर गई। तुम निकलो बे, तुम कहाँ फंसे हुए हो। ये करना जरूरी है, पैर झाड़ के बैठना जरूरी है भाई, ने तो सारा ना नीचे पानी पानी हो जाता है, कीचड़ हो जाता है। स्टार्ट तो खैर हो जाएगी, ये तो मेरे कॉन्फिडेंस है इस पे। मजेदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो करते हैं जी आज की ट्रिप की शुरुआत, गणपति बप्पा मोरिया, लेट्स गो।
अभी ये देखना, अभी एक मिनट पहले यहाँ धूप निकली थी, अब फिर से यहाँ फॉगी फॉगी हो गया, पूरा पूरा रास्ता भर गया बिल्कुल धुंध से। तो बस यही है यार, ये जो मैं बात कर रहा था ना, ये ट्रैक वगैरह बने रहेंगे ना तो अपने को अंदाजा रहेगा कि कहाँ चलना है अपने, वरना जब पूरा रास्ता सफेद होता है ना, पता ही नहीं लगता यार कहाँ मुड़ना है, कहाँ जाना है, कहाँ नाली, ये सब कुछ। बस मेन चीज यहाँ की यही है कि ब्रेक नहीं मारनी फालतू की, गाड़ी को बिल्कुल मिनिमम स्पीड पे रखो। अगर हिल डिसेंट कंट्रोल अभी आगे हम यूज करेंगे, अभी क्योंकि बहुत ज्यादा उतराई नहीं है, तो वो है तो वो यूज करो, वरना अगर वो नहीं है तो गाड़ी को बस मैनुअली करके पहले गियर पे छोड़ दो ताकि इंजन अपने आप ब्रेक लेता रहे। हाँ थोड़ी सी अगर तेज आपको लगती है, मोड है या कुछ इस तरह से, बड़ा हल्का हल्का आप ये रख लो कि आप 40% मैक्सिमम ब्रेक यूज करो। ऐसा नहीं कि दब करके दबा दिया पूरा 100% और गाड़ी कहीं की कहीं पहुंच जाए। तो स्नो में चलने के भाई कुछ कायदे हैं, कुछ रूल्स हैं दैट यू हैव टू फॉलो। बाकी अभी सुबह मैंने यहाँ सोचा कि ना यहाँ गीजर लगा हुआ था भैया के पास, कि नहा लेते हैं, गरम गरम पानी है, आगे मिले ना मिले तो तैयारी करके मैं पूरा दिल और दिमाग को पूरा पक्का करके कि भाई नहाएंगे, बाल्टी बुल्टी भर ली गरम पानी, भाई जैसे ही पानी डाला, मतलब जैसे सर पे डाला ना, बस बस हो गया हो गया हो गया हो गया, क्योंकि बाहर इतनी ठंड है यार, मतलब कि ऑब्वियसली जब नहाने जाते तब आपको पानी गिरते ही ठंड लग जाए, पानी गर्म हो लेकिन पानी गिरते ही ना एकदम से ठंड लगनी शुरू हो जाती है। भाई बस अपने हेड वॉश वगैरह किया, बस हो गया जाके नहा लेंगे, घर जाके नहा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन से कोई आफत नहीं आती। तो ऐसा सीन है यार यहाँ पर भाई, लेकिन गजब यार, गजब की खूबसूरती। और चोपता में भी अपने को कुछ ऐसा सीन मिलने वाला है, क्योंकि पूरा जो ट्रेल है ना जंगल के बीच में से जाती है, बहुत ही खूबसूरत। बस वही बात है कि ये खूबसूरती एक्सप्लोर करने के लिए ना इतना ऊपर तक आना पड़ेगा, या तो पैदल आओ या गाड़ी में आओ। गाड़ी हमेशा नहीं पहुंच पाएगी, अगर अपनी गाड़ी नहीं आ सकती फिर तो दूसरी जिप्सी वगैरह भी नीचे चलती रहती है, टैक्सी वगैरह, तो उसमें बैठ के बेशक आ सकते हो। एक सीन और क्या होता है ना कि जब ओली मैंने आना था ना, तो ऑब्वियसली हर कोई यार वहां के होटल देखता है, रहना कहाँ है, सब कुछ ये, तो वहां पर जो भी होटल है ना आपको यही दिखाएंगे कि भाई बिल्कुल ओली के बीच में है, सब कुछ वही है, बिल्कुल ऊपर है, फोटोज ऐसी ऐसी डालेंगे बर्फ के बीच में ही होटल है। लेकिन जब आप आते हो वो नीचे जाके होटल होता है, ऊपर तक आपको स्पेशली आना पड़ता है, फिर वापस नीचे भागना पड़ता है। मेरे साथ भी यही सीन था, लेकिन मैंने फिर ये सोचा यार देखी जाएगी, गाड़ी ऊपर तक लेके जाते हैं, जहां तक गाड़ी की ठीक है वहीं रूम ले लेंगे, पहले मैंने इसलिए बुकिंग कराई नहीं। बट एनी हाउ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप आ रहे हो ना तो मैं नीचे राहुल भाई का नंबर डाल दूंगा, इनके बहुत बढ़िया आपने देखी होंगे टेंट्स, तो अच्छे टेंट्स हैं, ठंड बिल्कुल नहीं लगती, कोजी है, गर्म पानी है, लाइट पूरी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, और खाना वगैरह भी बहुत बढ़िया। तो बेशक आना चाहो तो आ सकते हो, भले इससे ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ऊपर कोई भी आपको टेंट या होटल नहीं मिलेगा, सारे होटल वगैरह इससे नीचे ही है। तो भाई यहाँ से आगे उतराई शुरू होने वाली है, तो हम गाड़ी को डाल देते हैं हिल डिसेंट कंट्रोल में, फोकस कर ले, हिल डिसेंट कंट्रोल में डाल देते हैं, अब गाड़ी को अपने आप ब्रेकिंग लेने देते हैं। पैर मैंने हटा दिया है, गाड़ी अपने आप 10 की स्पीड तक जाएगी, अपने आप ब्रेक लेगी। हाँ ज्यादा जरूरत पड़ी, मोड है कुछ है, वहां हम मैनुअल ब्रेक मार लेंगे, अदरवाइज गाड़ी को अपने स्पीड से चलने देंगे। नजारे भाई नजारे, लेकिन गजब के नजारे, अपनी एक्सयूवी अकेली चली हुई है भाई चौड़ में, और यहाँ पर इस खूबसूरती के बीच हम अकेले। अब बस वही सीन है यार कि अकेला होने की वजह से ना बाहर से मैं शॉट नहीं ले पा रहा, तो इसलिए आप मेरे साथ यार अंदर से एंजॉय करो, कोई मेरे साथ होता ना फिर तो बाहर से भी शॉट कर लेके दिखाता। यहाँ हल्की हल्की भाई स्लाइड मार रही है गाड़ी, क्योंकि जैसी उतराई आती है ना बर्फ जो है बहुत स्लिपरी है मोड़ों पे, उतराई और मोड़ डेडली कॉम्बिनेशन है, तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जैसी थोड़ी सी आती है तो फील होती है यार गाड़ी हल्की सी, हाँ फिसल रही है, स्लाइड मार रही है गाड़ी। खूबसूरत यार बहुत खूबसूरत, ये चीज मैं कभी भी एक्सपीरियंस ना कर पाता। आई डोंट नो कैमरे में कितना दिख रहा है, लेकिन यार यहां पर अच्छी खासी उतराई है, इस टाइम हिल डिसेंट कंट्रोल अपना पूरा काम दे रहा,
गाड़ी को बिल्कुल कंट्रोल में रखा हुआ है और अभी तक मेरे को ब्रेक दबाने की जरूरत नहीं पड़ी बिल्कुल भी। अब ये देखना आगे, ये बिल्कुल उतराई है, खतरनाक वाली, और मोड़ के साथ साथ भाई यहाँ बहुत स्लिपरी है, बहुत स्लिपरी। ये जैसे ब्रेक मारो गाड़ी पूरी ना स्लाइड मारती है, जैसे हल्की सी ब्रेक करेंगे बाकी हिल डिसेंट कंट्रोल अपना काम करता ही है। बहुत ही प्यार से मजेदार, गजब भाई गजब। यहाँ पर भी कोई गाड़ी छोड़ के गया हुआ है ये वाली, क्योंकि ऑब्वियसली यार ना चढ़ रही होगी या उतार रहे होंगे, जो भी है नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि चेन वगैरह नहीं लगी हुई इसको। तो ठीक है यार, एक्सीडेंट कराने से बढ़िया यहीं रोक दो, क्योंकि आगे तो उतराई और ज्यादा है। ये देखना ये सारी उतराई है और इस पूरी सड़क पे ना बिल्कुल ब्लैक आइस जमी हुई है। अब कई जगह सेंटर में भी जो ना बर्फ थोड़ी ऊंची है तो आवाज आ रही है कि हाँ गाड़ी के नीचे बज रही है बर्फ। ये देखना आगे गाड़ियां ना फंसी हुई है, अब ये ऊपर पता नहीं चढ़ नहीं पा रही है, क्या सीन है। ये तो चढ़ जाएगी, ऑल्टो नहीं फंसेगी कहीं। यहां पर ना काफी ब्लैक आइस है, यहां पर स्लिपरी है बहुत। और ये देखना ये एंडेवर आ रही है भाई 4x4, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, तो इसलिए मैं कहता हूँ या तो आपकी गाड़ी कैपेबल हो जो ऊपर तक जा सके, या आप तैयारी ऐसी करके लाओ कि आपकी गाड़ी कहीं फंसे ना, तब मजा आए। ये देखो बिल्कुल पत्थर, बिल्कुल पत्थर है। तो यहाँ पर जो है गाड़ी के टायर ट्रैक्शन नहीं बनाते। तू तो निकल, बढ़िया परफॉर्म कर रही है भाई चेन अपनी, बहुत बढ़िया। अब ये गाड़ी थोड़ी सी स्ट्रगल कर रही है, बट वही है मारुति गाड़ी थोड़ी हल्की रहती है इसलिए वो निकल जाती है जोर मार के। बस चलो भाई रास्ता क्लियर हो गया आगे, अपन निकलते हैं। भाई बहुत ही खूबसूरत जंगल के बीचों बीच बिल्कुल घनी फॉग हो रखी है, देखना आगे भी। इससे पहले गाड़ी आए एक दो फोटोज ले लेते हैं। ओ भाई आगे ना मेरे ख्याल से गाड़ियां फंसी हैं या ट्रक फंसा है, कौन फंसा है पता नहीं, अपन भी साइड में लगा लेते हैं भाई। ये सीन है, ये बड़ा मुश्किल होता है, ब्लैक आइस में गाड़ी ट्रैक्शन ही नहीं पकड़ती। ये भी बर्फ का फन है और क्या, जोर लगा के। हाँ हाँ उधर 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 भैया गाड़ी बचा के, मेरी गाड़ी बच जा रहा बस, बाकी सब ठीक है। अरे 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये असली एडवेंचर बर्फ का, बहुत बढ़िया। और भी है कई सारी गाड़ियां, चलो जी चलो चलो, ये सारी गाड़ियां स्लाइड कर रही हैं, ये थार वाले भी। अरे 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 पीछे लो इधर इधर को निकाल लो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सीधी 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 सीधी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो भाई अब अपनी निकालते हैं हम यहां से। एक और आ गई है तो कह रहे हैं भैया उनको भी चढ़ लेने दो,
कोई नहीं भैया, चढ़ लो, हमारे पास टाइम ही टाइम है। चढ़ाई वालों को दिक्कत है, उतराई वालों को तो क्या ही दिक्कत है। चलो ठीक है, बाय बाय। तो यही मैं कह रहा था, स्नो में आ रहे हो ना, पूरी तैयारी करके आओ। बट जो भी देख रहे ना, लोगों का ना क्रेजी रिएक्शन है, साली ये गाड़ी ऊपर तक कहां चलेगी, ऊपर तो सिर्फ जिप्सियां जिप्सियां जा रही हैं। क्रेजी रिएक्शन भाई। तो भाई सामने के नजारे कुछ ऐसे हैं, मौसम खुला है तब जाके सामने की पहाड़ियां दिखनी शुरू हुई हैं, वो नंदा देवी पीक्स है। अभी ना ये भाई लोग मिल गए थे, ये केरला से थे, केरला से। तो मैं तो इनसे पूछ रहा भाई तुम्हें कैसा फील हो रहा है, और कह रहे थे सर दिस इज एक्सट्रीम। सच में यार केरला के लोगों के लिए ये तो एक्सट्रीम है, बाय गॉड। बट बस अपने साथ फोटो कराई एक रिमेम्बरेंस के लिए, बाकी बस चिड़िया उड़ाते हैं और इस जगह के आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करो। तो भाई क्योंकि अब आगे सड़क साफ ही लग रही है, अब स्नो चेन जो है हटा लेते हैं क्योंकि अब इनका काम नहीं है। ये था हमारे कैमरामैन भैया को थैंक यू हेल्प करने के लिए, हम इनको करते पैक। तो जी चेन्स हमने खोल ली है और अपनी गाड़ी अब एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग वाले मोड से नॉर्मल सिटी मोड में आ गई है। तो ये देखना कई जो होटल है ना शिवालिक ये वो ये सब इतना नीचे आ गए हैं, ऊपर नहीं है। बट असली मजा तो भाई ऊपर जाने का है। चलो यहाँ पर भी स्नोफॉल लेके, ये देखो 1 2 तो भाई लोगों कैसी लगी स्नोफॉल? तो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और यही लाइक के साथ साथ अगर सब्सक्राइब का बटन भी दबा देते हो तो भगवान करे ऐसी स्नोफॉल आपको भी मिले। तो भाई हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ, और जोशीमठ में तो बर्फ वगैरह कहीं पर भी नहीं पड़ी, ना साइडों में ना सड़क पे कहीं पर भी नहीं। अगर जोशीमठ में रुक रहे हो तो यहाँ पर तो सामने के नजारे देख लो, ओए होए ऊपर गए थोड़ा सा, बस ये नजारे देख देख के खुश होते रहो, दैट्स इट। लेकिन असली में अगर बर्फ का मजा लेना ना, फिर तो आपको 12-13 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ेगा औली की तरफ। ये भैया बढ़ाते आ रहे हैं, धीरे चलो। तो यहाँ से हमने मैप में चोपता डाल दिया है जो कि यहाँ से लगभग 3 घंटे के आसपास दिखा रहा है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा डेंजर इलाका है बीच वाला, क्योंकि यहाँ पर ना ये लैंडस्लाइड वगैरह होते रहते हैं। तो बस कोशिश करते हैं जितना जल्दी यहाँ से निकल पाए उतना बढ़िया है। लेकिन पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं यार, गजब ही सुंदर, देखना बहुत ही सुंदर। यहाँ पर तो ना यार ऊपर देखने की हिम्मत ही नहीं होती, पत्थर देखना यार कैसे एक दूसरे फंसे पड़े हैं, बस एक भी पत्थर चल पड़ा भाई कितना नुकसान करेगा। ओ भाई भाग लो यहाँ से फटाफट, डेंजर जोन है भाई, डेंजर जोन है बहुत। और इस तरफ देख लो, ओए होए नजारा से नजर नहीं हटती, ओए होए होए बस 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 बस। तो जी अपन पहुंच चुके हैं चमोली, चमोली से 2 रास्ते कटते हैं, एक तो ये जिसपे हम आ रहे हैं ये जोशीमठ के लिए जाता है, और ये यू टर्न मार के जो नीचे को रास्ता जाएगा ये जाएगा चोपता के लिए। लो जी ये हमने ले लिया यू टर्न चोपता के लिए, और यहाँ से चोपता जो है 48 किलोमीटर है, और जिसको दिखा रहा है लगभग 1.5 घंटे।
तो ठीक है यार, धूप खिली हुई है, मौसम अच्छा है, तो अपने को पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। बस ये है कि ऊपर पहुंचने के बाद भाई फिर तो स्नोफॉल हो जाए। नहीं, अभी तक तो इंद्र देवता अपना पूरा साथ दे रहे, क्योंकि जब मैं आ रहा था ना यहाँ पर ओली के लिए, तो मैंने सोचा था यार भगवान कुछ ऐसा कर दे कि रास्ते में अपने को बारिश ना मिले, हाँ वहां पहुंच के स्नोफॉल हो जाए, रास्ते में लेकिन धूप निकली रहे। और अभी तक तो ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि आती बार भी अच्छी खासी धूप निकली थी, लेकिन ऊपर पहुंच के दो दिन जबरदस्त स्नोफॉल हुई, और आज हमने फिर से ट्रैवल करना था, बस धूप निकली हुई आज भी। तो भगवान एक दो दिन और ऐसे निकाल दो, थोड़ी सी हमारी सुन लो प्लीज। यहाँ से अब केदारनाथ और बद्रीनाथ को रोड मुड़ता है, बट हमने कहाँ जाना है, हमने जाना है लेफ्ट, लेफ्ट को जाना है हमने, लेफ्ट को। ओके, मैप ने बोला लेफ्ट तो लेफ्ट। ओ भाई, ये सड़क देख के ना स्पीति की याद आ गई मेरे को, ये देखना खड़ा पहाड़ है बिल्कुल, और नीचे खाई, बिल्कुल स्पीति की याद दिलाती है ये जगह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बस पत्थर ना गिरे सब कुछ बढ़िया है। और वो सामने बर्फ वाले पहाड़। मैंने ना यहां पर गाड़ी रोकी थी, देखना बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है, घना जंगल है पूरा, और यहां से मैप दिखाऊं, ये देखना ऐसे 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 से पूरा ऊपर तक जाना है हमने। तो एनीवेज यहां से जो डिस्टेंस रह गया 22 किलोमीटर और रह गया। जैसे लास्ट अभी मैं स्पीति गया था, वहां पर भी भाई मेरा सोलो ट्रिप था, तो वहां पर भी ऐसा ही सीन था, दूर दूर तक कोई नहीं था, सुनसान होता था बिल्कुल, मैं और मेरे रामप्यारी हम दोनों ही होते थे, वो भी एक अलग ही फन था यार। और आज भी सेम वैसा ही है कि जंगल के बीचों बीच हम दोनों अकेले हैं। भैया खराब मत हो रहा, यहाँ मत खराब होना, और पीछे बल्कि बोर्ड भी आया था नो नेटवर्क जोन, आगे यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है, तुझपे भरोसा है, तुझपे रुकियो मत। भैया नेटवर्क मिला था, मैं चलो ऊपर कॉल करके देख लेते हैं, भैया को पूछ लेते हैं क्या सीन है। हाँ जी भैया, हाँ जी क्या हाल है भैया, आवाज आ रही है? बढ़िया, आपके क्या ठीक है? बढ़िया भैया, बढ़िया। अच्छा मैं तो आ रहा था, रास्ते में था ऊपर तक, तो ऊपर तक बैंड तक जाएंगे ना, वो पवधर तक, उसी में वहीं चले जाना। अच्छा ठीक है, तो अभी गाड़ी वैसे कहाँ तक आ रही है? आप जाते रहो, वैसे काफी वहीं कैंप तक हो सकता है चले जाएगी ना। अच्छा ठीक है, आराम आराम से जाना, रास्ते में जहाँ पे बर्फ होगी ना ज्यादा, ठीक है आराम से जाना, कैंप तक पहुँच जाएगी हमारी, हाँ पहुँच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है भैया, मिलते हैं, कोई नहीं फिर पहुँच के देखते हैं। क्योंकि अभी ऊपर से ना एक पुलिस वाले आ रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भैया आप ऊपर फर्स्ट मत जाना, क्योंकि 3-4 किलोमीटर ऊपर ही आप जा पाओगे, उसका स्नो है और गाड़ियां ऊपर चढ़ नहीं पा रही हैं, और मेन चीज क्या है कि यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है इस एरिया में, तो आपको फिर बुलाने में भी दिक्कत आएगी किसी न किसी को, क्योंकि वो बता रहे थे क्योंकि कैंप्स वगैरह वो तो है ऊपर और ऊपर जाके, लेकिन गाड़ियां जा पा रही हैं सिर्फ 3 किलोमीटर आगे। तो मैं चलो भैया देखते हैं, यहां तक आए कहीं तो पहुंचेंगे ही, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो मैंने चुपता वाले जो भैया थे कैंप वाले, उनको मैंने फोन करके पूछ लिया था, तो चलो देखते हैं कहां तक गाड़ी खींच पाते हैं। तो अभी तक तो बर्फ का कहीं नामो निशान नहीं है फिलहाल सड़क पे, तो बाकी देखते हैं, अगर बोला है उन्होंने भाई सही बोला होगा, गलत तो क्यों ही बोलेंगे। अब शायद इसी को कहते हैं उड़ता तीर, वो रहा तीर बाबा, तीर बाबा, तीर खट खटा। क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया था ऊपर गाड़ियां नहीं जा रही, और हम चले हुए ऊपर, अब इतनी दूर आया है, यहीं से यू टर्न मार रहे तो नहीं है बिना बर्फ देखे, और वो भी। तो जी अंश ऑन द रॉक्स को, यानी मुझे थोड़े थोड़े बर्फ के अंश मिलने शुरू हो गए, अब आगे कितना हो पाता है ये नहीं पता, हो भी पाता है कि नहीं वो भी नहीं पता, बस ये है कि हाँ बर्फ की शुरुआत हो गई है। चोपता जर्मल ऊपर जा कैंप कुंभ ऊपर तक, चोपता नहीं जाएगी, बनिया कुंड वगैरह तक, अब यहाँ से मान लो 2 किलोमीटर गाड़ी नहीं आएगी, चेन लगा के भी नहीं, चेन है लगा, अभी लगा दे, मैं कहीं फिसल फिसल ही तो शुरू हो। तो हार्डली अपने को 5 मिनट लगे दोनों साइड, बढ़िया अपने स्नो चेन लगा लिया, अब देखते हैं भाई कहां तक हो पाता है इन स्नो चेन से भी, इन स्नो चेन के साथ ओली तो कॉन्कर कर लिया हमने, अब बारी है चोपता तक पहुंचने की, चलो पता लग जाएगा अभी।